दोस्तों, आप सभी का आज किस नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक के विषय रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए जो वर्ष के लिए 2022-23 वर्ष के लिए जारी हुई है प्रश्न बैंक विषय रसायन विज्ञान का फुल सॉल्यूशन आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि क्या रहेगा, फुल सॉल्यूशन रहेगा और 100% सही आंसर के साथ रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सरल और शॉर्टकट आंसर रहेंगे, तो चिंता मत करना, घबराना मत, पूरे आंसर क्वेश्चन इसी में से आएंगे और पेपर भी आधे से ज़्यादा 50% पेपर क्वेश्चन बैंक से ही बनेगा वार्षिक का। और त्रिमासिक परीक्षा की अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें तो पूरा ही आएगा क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, उसके बाद अपन देखने वाले लोक शिक्षा संचालनालय से जो जारी हुई है इसका अपन फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं केमिस्ट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला ब्लू प्रिंट मिलता है अपन को देखने के लिए, अपन आप नीचे बढ़ते हैं। सबसे पहले एकक ए मतलब बिलियन जिसका नाम है, इन सभी को आप देख लेना। ओके, उसके बाद अपन आते हैं सबसे पहले बिलियन, जैसे कि इन सभी के मैं सॉल्यूशन एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा देर लगी है, वीडियो भी नहीं आ रही है, आप लोग मैसेज कर रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम पर, तो आप वीडियो आएंगी, अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वीडियो ना आने के, लेकिन अब दिन रात एक करके मैं वीडियो डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो आकर ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पहला पन्ना प्रश्न क्या मिल जाएगा यहाँ पर, बिलियन। जैसे पहला प्रश्न है अति लघुती प्रश्न का बिलियन, तो इसका अपन फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, उसके बाद इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे कि बिलियन किसे कहते हैं, सांद्रता के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण दीजिए, तो इसका अपन सबका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो चलिए जैसे कि इस पर दूसरा क्वेश्चन है, सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, संपराश्री विलयन किसे कहते हैं, गैसों में द्रवों की विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है लिखिए। तो इन सभी के सॉल्यूशन आज किस वीडियो पर हम बताने वाले हैं, पूरे के देखेंगे, कम से कम 5-6 अध्याय मतलब केमिस्ट्री आधी तो खत्म हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, मैं पीडीएफ डाउनलोड करना भी बता दूंगा। ओके, इन सभी के अपन सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें क्या पीडीएफ है, थोड़ी ऐसी पीडीएफ है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई हैं और साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको पीडीएफ पूरी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बिलियन किसे कहते हैं, सांद्रता के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण, देखिए ये सब क्वेश्चन हैं, तो इन सभी का अपन सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ गया, हाँ बिलियन, अध्याय 2 का नाम है बिलियन। देखिए क्या सबसे पहले क्या दिया, बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन का यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, जैसे कि चीनी का शरबत, उसके बाद आता है पीतल। ओके, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दोस्तों इस वाले पीडीएफ में आपको इस वीडियो में पूरे एकदम ऐसे सरल सरल सॉल्यूशन बताऊंगा, एक भी उसमें कठिन नहीं होगा, बिल्कुल सरल सॉल्यूशन होगा, एक नंबर, बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी ही भाषा में, जैसे अपन बात करते हैं एक दूसरे से वैसे ही भाषा में पूरा है एकदम, कोई भी आपका ना ही गलत काटेगा टीचर, ना ही कुछ आपको खुश होकर 2-3 नंबर ज़्यादा दे सकता है परंतु काट नहीं सकता, जैसा है इसमें लिखा है आपको ऐसा कैसा ही छापना है सिर्फ। क्या दिया उसको पता, बिलियन के निम्न अवयव होते हैं, तो बिलियन का अवयव नहीं लिखना है, इसमें क्या हुआ है, सांद्रता के आधार पर इतना ही था फर्स्ट प्रश्न, बिलियन तो आपको इतना लिख देना है, उदाहरण भी लिख लेना है। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आप उदाहरण नहीं दोगे तो सिर्फ आप एक नंबर ही मिलेगा, एक नंबर होता है परिभाषा का और एक नंबर होता है उदाहरण का, तो दोनों का एक एक हो जाता है। क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ परिभाषा लिखकर आ जाती हैं, तो मिलना तो एक ही नंबर है, तो उदाहरण नहीं लिखते हैं। तो ओके, उसके बाद आता है सांद्रता के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण, तो सांद्रता के आधार पर बिलियन निम्न प्रकार के होते हैं, तनु बिलियन हो गया, सांद्र बिलियन हो गया, असंतृप्त बिलियन, अति असंतृप्त बिलियन। देखिए इन सभी के नाम से ही हमें सभी याद हो जाते हैं, जैसे कि तनु बिलियन है, बी बिलियन जिनमें विलेय की मात्रा विलाय की अपेक्षा बहुत कम होती है तनु बिलियन कहलाते हैं, सांद्र बिलियन बी बिलियन जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है सांद्र बिलियन कहलाते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है असंतृप्त बिलियन वे बिलियन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती असंतृप्त बिलियन कहलाते हैं, जिसमें विलेय की ज़्यादा मात्रा नहीं घोली जा सकती, और मतलब उसका एक लिमिट है। ठीक है, उसके बाद आता है असंतृप्त बिलियन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त बिलियन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है
अति असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन वे विलयन जिन्हें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है अति असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। इसकी क्या लगा के मैंने एक और परिभाषा लिख दी है, अगर एक नहीं आती है तो दोनों लिख लेना चाहे एक लिख लेना, दोनों ही परिभाषा सही हो जाएगा। उसके बाद भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन किसी के, दोस्तों इसमें क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ और प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो उसके बाद अपन देख लेते हैं फुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आगे अपन देखते हैं जब पूरा क्वेश्चन बैंक की है जो है अपनी क्या है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैसों में द्रवों की विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ पर देख लिए आगे देखिए सांद्रता के आधार पर विलयन की है अपन ने देख लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन बैंक का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या कहेगा कि आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने टेलीग्राम पर आपको बताया था इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आने वाली, इसलिए ठोस विलयन उसमें से अपना तीसरा था क्वेश्चन निम्न को परिभाषित कीजिए, मोलरता या ग्राम अणुता क्या कहलाती है। किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं जिसका सूत्र होता है मोलरता एम बराबर विलेय की मोल संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। देखिए इसका बहुत ही आसान सा उत्तर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट करते लेना। उसके बाद आता है एम बराबर या फिर या आ जाएगा एम बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में या विलेय का अणुभार गुणित विलयन का लीटर में आयतन। उसके बाद आता है आप इसको देख लेना एम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू गुणित 1000 बटे एम गुणित वी आ जाएगा इसका। उसके बाद आता है देखिए एम अणुभार क्या है यहाँ पर एम और वी क्या है, भी क्या है आयतन, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका आ जाएगा यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं भी क्या है यहाँ पर बिलियन का लीटर में आयतन, भी दिया हुआ है जो बिलियन का लीटर में आयतन है। उसके बाद डब्ल्यू है विलेय की मात्रा, उसके बाद आता है एम दिया हुआ है विलेय का अणुभार, ओके। उसके बाद अपन आप देख सकते, उसके बाद नॉर्मलता, नॉर्मलता की परिभाषा किसी विलेय किसी बिलियन के एक एल में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहती है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, विलेय की तुल्यांक की एन बराबर विलेय की तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, इसका क्या हो जाएगा एन बराबर डब्ल्यू गुणित 1000 बटा ई गुणित वी। यहाँ पर क्या वी क्या है आयतन है वो भी लीटर में, विलयन की मात्रा क्या है डब्ल्यू और ई क्या दिया हुआ है विलेय की तुल्यांक की भार अणुभार या आणविक द्रव्यमान। उसके बाद दोस्तों ये महा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा पेपर यहीं से आना है, इसने आपको लिखना ही है, एक एक से एक फेयर काफी में बनाकर आपको एक एक से लिखना ही है। टॉपर है ये, टॉपरों का भी पूरा हिस्सा है, जो भी इस पीडीएफ को पढ़ेगा वो टॉप करेगा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, चाहे वो कोई भी वार्षिक परीक्षा हो चाहे वो कोई भी नीट की तक पेपर क्यों ना हो, इसी पेपर को पढ़ेगा इस पीडीएफ को तो वो टॉप करेगा, ठीक है। उसके बाद अपन आता है फार्मलता, फार्मलता क्या दिया है किसी विलयन के एक एल में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इनका जो सूत्र क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप, विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन, ओके। उसके बाद एफ बराबर इसकी हो जाएगा, इसे एफ से प्रदर्शित करते बिल्कुल सरल मिलेगा। उसके बाद ये सब आप लिख लेना थ्योरी थ्योरी यहाँ पर आप इतना लिख लेना, ठीक है वही क्या। उसके बाद मोलरता किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या गुणित 1000 बटा विलायक की ग्राम में मात्रा। ये सब मुझे दोस्तों याद, इसलिए मैं इनको बिना देखे ही पढ़ता हूँ, मैं इसमें नहीं देखता हूँ, सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट शाम के बिना देखे ही बोलता हूँ। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न आएगा मूल प्रभाज या मूल अर्वाज या मूलवंश क्या कहलाता है। किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मूलों की संख्या अनुपात विलेय का मूल प्रभाज कहलाता है। उसका सूत्र क्या होता है, विलेय का मूल प्रभाज बराबर n1 upon n1 plus n2 विलयन का मूल अंश। उसके बाद आता है नेक्स्ट विलयन का मूल अंश, मूल अंश क्या होता है दोस्तों इसको अपन समझेंगे, मूल अंश मूल विलयन का मूल अंश, किसी विलयन में विलायक के मूलों की संख्या और विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल अंश कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, किसी विलयन में विलायक के मूलों की संख्या और विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल अंश कहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट विलायक
का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है एन टू बटे एन वन कैपिटल एन वन और कैपिटल एन टू। ओके उसके बाद आता है नेक्स्ट नोट क्या लिखना है मूल संख्या ब्लेक ब्ले या विलायक की संख मात्रा बटे ब्ले या विलायक का अणुभार। ओके ये महा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आने ही आने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ जो मैं बताता हूँ वही पेपर में आता है ठीक है। उसके बाद अपना मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोललता क्या कहलाता है देखिए मोलरता मोललता में अंतर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये लगातार पूछा जा रहा है त्रैमासिक अर्धवार्षिक सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये सभी पूछा जा रहा है इसलिए इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या दिया हुआ सबसे पहले मोलरता और मोललता सबसे पहले अपना मोललता मोलरता में क्या दिया हुआ है परिभाषा क्या है इनकी मोलरता की किसी विलयन के एक एल में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उसके बाद आता है किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 11वीं में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके बाद आता है अगला इनमें विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है लेकिन इनमें विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है इनमें महत्वहीन क्या है इसमें विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है लेकिन इसमें विलायक विलयन की मात्रा महत्वहीन होती है इसमें विलायक है इसमें विलयन है। ओके उसके बाद अपन अगला देखते हैं तीसरा क्या देखिए हुआ ताप बदलने पर मोलरता बढ़ जाती है इसमें मोलरता पर ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये इंपॉर्टेंट है आने ही आने वाला। उसके बाद आता है चौथा इसका मात्रक मोल बटे लीटर है इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम प्रति बोलिए बटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है पांचवा इसे एम से प्रदर्शित करते हैं इसे कैपिटल एम से और इसे स्मॉल एम से ठीक है। मोलरता को क्या करते हैं कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को स्मॉल एम से। ओके उसके बाद अपन देखते हैं मोलरता को क्या करते हैं कैपिटल एम और मोलरता को एम से। ओके उसके बाद अपन नेक्स्ट आता है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पेपर में आता है हम वही आपको बता रहे हैं ये 100% लिख कर आता है पेपर में क्या है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर दीजिए। आदर्श विलयन क्या कहलाते हैं विलयन या सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर राल्ट के नियम का इस्तेमाल करते हैं मतलब पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन एक विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इनमें बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पर डेल एच बराबर क्या आ जाएगा जीरो डेल एच का मान क्या होता है डेल एच बराबर जीरो इसका होता है मान। उसके बाद आता है इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है डेल एच बराबर नहीं जीरो ठीक है। उसके बाद आता है अपना इसके बनने पर आयतन परिवर्तन नहीं होता है लेकिन इसके बनने पर आयतन परिवर्तन होता है ठीक है। ओके उसके बाद अपन आते हैं क्या होता है इसके बाद आता है चौथा बेंजीन तथा टाइल्पुएन क्या लिखा था ओके टाल यूरिन लिखा हुआ है एन हेक्सेन तथा एन हेप्टन एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडीन आदि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आता है एथिल एल्कोहल और जल एथिटोन एसीटोन एसीटोन और बेंजीन HCl और H2O। उसके बाद क्या लेता है फ्लोरोफॉर्म और H2O। दोस्तों थोड़ी बहुत बोलने में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर दिखता नहीं है सही से। उसको बताता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को उदाहरण सही समझाइए। एक और इसमें आ जाता है ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं इसके बनने पर आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अनादर्श विलयन देख सकते हैं वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं इसके बनने पर एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन होता है जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण H2O हो जाएगा HCl ठीक है। उसके बाद धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर आप देख सकते हैं तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में आप अंतर देख सकते हैं। दोस्तों राल्ट का नियम बताया जाए कि राल्ट का नियम का पालन करते हैं राल्ट का नियम भी हम आपको बताएंगे थोड़ी रुकिए। धनात्मक विलयन विचलन और ऋणात्मक विचलन में तब तक आप अंतर देखिए विलयन का वाष्पदर राल्ट के
परिकल्पित मान से अधिक होता है, अर्थात पीएस बराबर पीएस बड़ा, यहाँ पर ये बड़ा निशान बड़ा है, पीएस बड़ा है पी जीरो एक्स जीरो, ठीक है। उसके बाद आता है पीएस पी जीरो एक्स जीरो, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये निम्न तापी स्थिर क्वाथ मिश्रण होती है, ये उच्च तापी क्वाथ मिश्रण होती है। इनमें इसमें ब्लेक विलायक विलायक के मध्य दुर्बल तथा अन्योन क्रियाएं होती हैं। इनमें विलेय तथा विलायक के मध्य प्रबल अन्योन क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आता है विलेय तथा विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है। इनमें विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कमी होती है, ठीक है। इनमें वृद्धि होती है, इसमें कमी होती है। बात है कि इसमें जब बढ़ जाती है इसमें घट जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पाँचवा है विलेय विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। दोस्तों इन सभी को आपको एक एक से हेयर कॉपी में लिखना है, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं आगे, कहते हैं विलेय तथा विलायक को मिलाने पर ऊष्मा पर उत्सर्जित होती है। उसके बाद इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, एथिल एल्कोहल H2+H2O और H2+बेंजीन, ऐसा इसका हो जाएगा HCl+H2O क्लोरोफॉर्म+H2O। स्थिर क्वाथ मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथ मिश्रण, देखिए इसे आपको नोट करना है, क्या दिया हुआ है, ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। 95.6% एल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है, जो 78.13 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण के अवयवों को आश्विन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। निम्न पहला क्या हुआ, पहला क्या दिया, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इनका वाष्प दाब उच्च दाब क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। उसके बाद एसीटोन कार्बन डाइसल्फराइड सल्फाइड, उसके बाद आता है एथिल एल्कोहल प्लस क्या हेक्सटेन, उसके बाद आता है का बेंजीन, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट आता है दूसरा, उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, तो आप देख सकते हैं ऐसे भी है, इन सभी को आपको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद आता है वाष्प का नियम गुणांक किसे कहते हैं, इसे अच्छे से लिख लेना है, एक क्वेश्चन बैंक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, वाष्प का नियम क्या है, तो सांद्रता को इसके आपको लिख लेना, एकदम सरल है भाई, भाई पूरा का पूरा सरल आंसर इसको लिख लेना, ओके लिख लेना, सरल है। उसके बाद आता है इसको पूरा लिख लेना, अभी लगी है तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। बारिश होने लगी, सिर्फ वीडियो को रोकना पड़ेगा यहीं पर, जितना भी हो चुका है आप कर लेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर जरूर देखेंगे, ओके। उसके बाद आता है, इसके बाद आगे भी आप पूरा नोट कर लेना, एक एक से लिख लेना, ओके जल्दी से लेना। हेनरी का विलेयता संबंधी नियम लिखिए, गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेनरी का नियम आपको लिखना है, ठीक है पूरा। और उसके बाद गैस एवं द्रव की प्रकृति लिखना है, उसके बाद ताप दाब या हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग भी आपको अच्छे से लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अनुसंग गुणधर्म, अनुसंग गुणधर्म क्या है, अनुसंग गुणधर्म को एक एक समझाइए। उसके बाद आता है नेक्स्ट, उसके बाद आता है ppm, निम्न को परिभाषित कीजिए, ppm विलेयता किसके द्रव्यमान प्रवाह अंश क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। प्रतिशतता क्या है, प्रसरण और विसरण क्या है, प्रसरण और विसरण में अंतर लिखना है आपको, अर्धपारगम क्या है, तो इसे अर्धपारगम झिल्ली क्या कहलाती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, 20वां क्वेश्चन आता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है क्या है, 21वां, किसी विलेय के आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए, आप देख सकते हैं पूरा। दोस्तों वीडियो को रोकना पड़ रहा है, ठीक है, अब इसको पूरा इंपॉर्टेंट समझ के कर लेना। उसके बाद आता है संपराश्री अति संपराश्री अतिपराश्री और अल्पपराश्री विलयन को परिभाषित कीजिए, संपराश्री अतिपराश्री। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जब तक कि टाटा टेक का स्टेज से फिजिक्स की वीडियो आने वाली, उसे जरूर देख लेना।